हज़रत, आज का शुबा भी बड़ा अजीब है और लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्लिक करता है आपका जवाब होने। तो एक सवाल एक नौजवान ने ये किया यहाँ पर, और वो गालिबन स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने कहा कि ये मुसलमान जो हैं वैसे तो बड़े तौहीद के आलमबरदार बनते हैं कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है, तो जबकि अल्लाह ताला ने उनको उस वक़्त खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जबकि उसके अंदर 360 बुत मौजूद थे, तो ये ऐसा क्यों किया जबकि 360 बुतों के एक तरफ तो आप खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और दूसरा ये कि आप उसी 360 बुत की तरफ झुक भी रहे हैं और रुकू भी कर रहे हैं और सजदा भी कर रहे हैं और नमाजें और इबादतें, किबला भी आपका वही है, तो एक ही बेक वक्त मुखालफत भी और बेक वक्त उसकी तरफ रुकू सजूद भी, तो कहता है इसकी क्या लॉजिक है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये अच्छा अच्छा सवाल है। देख, असल बात यह है कि वजह पर फैसला होता है कि वो खाना काबा की वजह, बैतुल्ला की वजह किस मकसद के लिए है। अच्छा, जो उसका असल मकसद उसकी वजह का, उस पर फैसला होगा। खाना काबा की जो वजह है यानी उसकी तामीर जो है वो खालिद अल्लाह की इबादत के लिए की गई इब्तदाए आफरीने से, क्योंकि बुत शुरू से नहीं बुत सजा दिए गए, बुत बाद में रखे गए। मुशरिकीन ने मक्का के दौर में आकर बुत सजाए गए, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बैतुल्ला जो कायम किया गया उस वक़्त से तौहीद का नारा लगाया जा रहा है और वो तौहीद का नारा लगा रहा है। हर दौर में नबी जो है उस तौहीद के मुताबिक उसके सामने सजदा रेज होते रहे। अब तो दरमियान का टेम्प्रेरी एक ऐसा टाइम आया कि जो वो मुशरिकीन ने मक्का ने उसको शिर्क की आमाजगाह बना के उन्होंने वहाँ बुत सजा दिए, और फिर मजे की बात ये उन्होंने भी जो बुत सजाए हैं वो शुफा बना के सजाए कि छोटे छोटे हैं, बड़ा मबूद वो भी खुदा ही है। अच्छा, बड़ा मबूद तो खुदाई को मानते थे और उस बड़े मबूद ही का वो घर मानते थे, लेकिन छोटे छोटे जो 360 रखे हैं वो अपने छोटे छोटे मकासिद के लिए उन्होंने सेट कर दिए, ये तिजारत का बूता है, ये शादी का बूता है, ये निकाह का बूता है, ये तलाक का बूता है, तो उन्होंने, लेकिन असल वो भी बड़ा खुदाई को मानते थे और उसको बड़े खुदाई के घर समझते थे। अच्छा, तभी तो उस घर की जब वो पूजा पाठ और इबादत करते थे तो वो इस हाल में करते थे कि वो अल्लाह नाराज ना हो। अच्छा, यानी यही वजह उसकी तामीर के अंदर वो हलाल आमदनी लगाते थे, हराम का एक पैसा नहीं लगाते थे, क्योंकि अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में पाक पैसा लगना चाहिए। यही वजह कि आप जानते हैं कि तारीख में लिखा है कि जब पैसे कम हो गए तो तामीर पूरी नहीं कर सके और हतीम का हिस्सा बाहर रह गया। जी जी, वो दीवारें वहां तक नहीं ले जा सके क्योंकि हलाल पाकीजा पैसा कम हो गया और अल्लाह ताला पाक है और पाक रोजी पसंद करता है, तो ये अकीदा उनका अपना भी था। यही वजह हतीम का हिस्सा बाहर रह गया और वहां तक तामीर नहीं जा सकी। तो मालूम है कि असल वो बड़े का ही घर है, बाकी ये छोटे छोटे किसी ने फसादे अकीदा की वजह से और शैतानी तसल्लुक की वजह से अगर सजा ली हो तो जो बड़े के घर होने की नस्बत तो खत्म होने वाली नहीं है ना। बिल्कुल। अब आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो क्या ख्याल आप कहेंगे ये इसका हो गया? आपके भी मेरा घर है भाई, आप उससे बकायदा मुकदमाबाजी करते रहेंगे, यार ये मेरा घर है, जब भी आप गुजरेंगे यार ये मेरा घर है, कहते लेकिन हजरत आप तो वहां रहते नहीं है, ये तो वहां तो ये उचक्के किस्म के लोग रह रहे हैं, कि यार इन्होंने कब्जा किया हुआ लेकिन मेरा घर है। आप बार बार उसको मेरा घर कह के पॉइंट आउट करते हैं, हैं? आप ये नहीं कहते यार ये भी नहीं कहिए, अगर कोई दूसरा कहे कि ये फला ये आपका घर है तो आपका हाँ मेरा घर है, लेकिन वहां तो वो उचक्के किस्म के लोग रहते हैं, कह यार इन्होंने कब्जा किया हुआ। तो मालूम हुआ कि बिल्कुल इसी तरीके से अहले इस्लाम उसी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि उसको अल्लाह का घर समझ रहे हैं। अगर कोई कहे यहाँ तो बुत सजे में है, यार बुतों का कब्जा डाला हुआ है मुशरिकी ने मक्का ने, असल तो अल्लाह ही का घर है, लिहाजा उसी की तरफ, तो इसलिए जो तहवील क़िबला हुआ कि उस बैतुल्लाह की तरफ, क्योंकि वो अल्लाह का घर है और ये काबतुल्लाह को अल्लाह का घर खुद मुशरिक मक्का भी मानते थे, लिहाजा उसी मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब जब नमाज पढ़ना शुरू कर दी अमली तौर पे, जब इबादत उधर मुंह करके अल्लाह की कर रहे हैं, तो फिर वो वक्त भी आया कि जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को भी वहां से हटाया, यानी मुशरिक मक्का के बुतों को वहां से तोड़ा गया। और अगर ये मुसलमान खुदा ना खास बकौल उस नौजवान के उस बात को तस्लीम करते तो बुत तोड़ने की जरूरत क्या थी फिर? सही बात है, असल तो ये बात है, असल तोड़े क्यों? और वो तोड़े क्यों कि अगर उन बुतों की इबादत कर रहे हैं कि ये एक तरफ तौहीद का नारा लगा रहे दूसरा बुतों को पूज रहे हैं, तो फिर तोड़े क्यों थे? तोड़ने का मतलब है कि वक्त का इंतजार था कि कब वार करना है। बिल्कुल, इसी को तो मुजाहिद कहते हैं, मुजाहिद वक्त का इंतजार करता है कब वार करना है। जब फतेह मक्का हुआ नबी को मौका मिला, नबी ने सारे तोड़े, लेकिन जब सजदे कर रहे हैं तो खुदा को कर रहे हैं। बल्कि आज भी मुसलमान जब सजदा करता है उसके सामने बैतुल्लाह कहाँ होता है? सामने दीवार होती है,
सामने आग जल रही होती है, सही बात। इवन एक हो सकता है कि उसकी बाड़े की गाय खड़ी हो सामने, सही बात। एक चक देहात का देहाती अल्लाह अकबर के नमाज पर गाय का बाड़ा सामने गाड़ा बाड़ा है और गाय खड़ी है, तो क्या कहेंगे यार ये तो हिंदुओं की तरह गाय को पूजा कर रहा है। किसी के हाशिए ख्याल में बात नहीं आती, क्योंकि वो तो अपना दिल खुदा को दे के ख्याल उधर मुड़े हुए है, भले सामने गाय हो, आग हो, दरख्त हो, समंदर बह रहा हो, कुछ भी हो, तो उसकी इबादत तो अल्लाह से हो रही है। तो जब आम इबादत के अंदर आप ये शुबा नहीं कर सकते कि यार ये गाय को सजदा कर रहा है, खुदा को नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो यार बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने वाले पर शुबा कैसे आप कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आप जबरदस्ती जो है शुबा घसीट रहे हैं उसके मुसलमानों पे, वरना मुसलमान तौहीद में बिल्कुल खालिस हैं, तो अल्लाह ही के लिए कर रहे हैं। और बुत बुत जो वक्ती ये कब्जा था मुशरिक मक्का का, जब फतह मक्का में खत्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बुतों को तोड़ के वाश कर दिया और सारा साफ शफाफ अल्लाह का घर बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत।